Welcome to Healthy Homes. Please subscribe to our channel and click the bell icon to never miss any update from Healthy Homes. आज हम कलरफुल गुलाब मठरी बनाएंगे और इन्हें हम गुलाब गुलदस्ते के लुक में सर्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलरफुल गुलाब गुलदस्ते की रेसिपी। कलर के लिए हमने यहाँ पर पालक और चुकंदर का यूज किया है। पालक और चुकंदर को अच्छे से साफ करके स्मूथ पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 4 कप मैदा लेंगे या व्हीट फ्लोर ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच मगरैल ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें तेल ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये लड्डू जैसा न बनने लगे, जिससे मठरी अच्छी खस्ता बनती है। अब इस मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम पानी से थोड़ा थोड़ा डालकर डो बनाएंगे, सख्त डो बनाना है। ये देखिए हमारा व्हाइट कलर का डो रेडी हो गया। अब सेकंड पार्ट को हम चुकंदर के पेस्ट जो हमने बनाया था उससे डो बनाएंगे। इसे भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए बनाएंगे। इसका भी सख्त डो बनाएंगे। ये देखिए हमारा रेड कलर का डो रेडी हो गया। अब थर्ड पार्ट में हम पालक के पेस्ट से डो बनाएंगे। ग्रीन कलर के लिए हमने यहाँ पे पालक का यूज किया है। ये देखिए हमारा ग्रीन कलर का डो रेडी हो गया। अब हमारे पास 3 कलर के डो रेडी हो गए, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। अब हम तीनों कलर के डो से एक एक पार्ट लेके 3 बड़ी पूरियां बना लेंगे। पूरी हमें पतली बेलना है, ज्यादा मोटी नहीं रहनी चाहिए। हम इसको एक छोटी कटोरी की सहायता से छोटे छोटे सर्किल में कट कर लेंगे और इसका बीच का पार्ट अलग कर देंगे इस तरह से। इसे भी हम कट कर लेंगे। इसी तरह हम रेड कलर की पूरी बना के उसके भी सर्किल कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 3 कलर के छोटे छोटे सर्कल रेडी हो गए। अब ग्रीन और व्हाइट कलर के सर्कल को हम इस तरह अरेंज करके इनको धीरे धीरे प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे। अब इसको सेंटर में प्रेस करेंगे जिससे कि ये तलते समय अलग ना हो। ये देखिए अब इसे नाइफ की सहायता से कट कर देंगे। ये हमारे 2 व्हाइट गुलाब रेडी हो गए। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह हम ग्रीन और रेड कलर की छोटे सर्कल की अरेंज करके हम रेड गुलाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे रेड रोज तैयार हो गए। अब हम और पूरियां बेलकर इस तरह कट करके स्टिक तैयार कर लेंगे, ग्रीन और रेड कलर की। ये देखिए और लीफ, छोटी छोटी लीव्स भी कट कर लेंगे।
ग्रीन कलर की, ये देखिए इनको हमने फोर्क की सहायता से शेप दिया है। हमारे सारे गुलाब लीफ और स्टिक तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम गुलाब फ्राई करेंगे क्योंकि इनको ज़्यादा तेल की आवश्यकता है, ये उसमें अच्छे से डूब जाए। इनको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे जिससे ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से पक जाएंगे। अब इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम रेड रोज को भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह से धीमी आंच में। ये देखिए अब इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम स्टिक और लीव्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे स्टिक लीव्स फ्लावर सब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत कलरफुल गुलाब बने हैं। इन सबको हम गुलदस्ते के रूप में अरेंज करके सर्व करेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर इफ यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर यूनिक रेसिपीज एंड कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू हेल्दी।